ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज से वीडियो बंद कर लीजिए बेटे। कि हमारे पास समटाइम क्या होता है, ये आपसे कहता है कि सर 0.3 बार को फ्रैक्शन में चेंज करिए। ये हमने छोटे छोटे से टॉपिक डिस्कस किए हैं, प्लीज इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 0.3 बार को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। या आपसे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन है एक्चुअली इम्पोर्टेंट, हो कि हमसे क्या कह रहा है, 8.31 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.002 बार, इसकी वैल्यू आपसे निकलवा रहा है। 8.31 बार, 0.6 बार प्लस 0.002 बार, तो इसकी वैल्यू हमसे निकलवाना चाह रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ये बार में है, रिपीटेशन में है। क्या आप इसको ऐड कर दोगे सर, लास्ट वाला यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, और आप इसको एज इट इज सिंपल डेसिमल के हिसाब से कर दो ये सर 2, और फिर हमारे पास आ जाएगा 1, और फिर हमारे पास आ जाएगा 639, और हमारे पास आ जाएगा 8, कुछ इस तरह से कर दो। तो ये इस तरह से ऐड नहीं होगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें पहले फ्रैक्शंस में चेंज करना होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने का ध्यान से देख लीजिए, जितने भी आपके पास रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उनको चेंज करने का एक ही तरीका है, सभी नंबर का एक ही छोटा सा शॉर्टकट ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है 8.31 बार, तो आपको क्या करना है, आपको टोटल नंबर लेना है, कंप्लीट नंबर जो भी दिया हुआ है, उसमें से नॉन रिपीटिंग को माइनस करना है, नॉन रिपीटिंग नंबर को माइनस कर देना है अपॉन आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, ठीक है सर, आफ्टर डेसिमल रिप्लेस या चेंज रिपीटिंग डिजिट, रिपीटिंग डिजिट बाय 9 एंड नॉन रिपीटिंग बाय 0। ये आपको करना सिर्फ, मतलब आपके पास क्या था, 8.31 था, तो आपके पास यहाँ टोटल नंबर हो गया 831, इसमें से नॉन रिपीटिंग हो गया 8। डेसिमल के बाद आपके पास जितनी डिजिट्स हैं उनको जो रिपीट हो रही है उसको 9 से कर दीजिए, और जो नॉन रिपीटिंग है उसको 0 से। तो यहाँ दो डिजिट हैं, दोनों ही रिपीट हो रही हैं, तो दोनों को 9 से चेंज कर दीजिए, 3 को भी 1 को भी। तो ये हमारा आंसर है, 831 माइनस 8, 831 माइनस 8 का मतलब हो जाएगा 823/99। अगर आपके पास क्या था, अगर आपके पास है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टर्म जो था आपके पास वो है 0.6 बार, तो 0.6 बार का मतलब टोटल नंबर 6, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं है, और डेसिमल के बाद, ये नीचे जो है सिर्फ डेसिमल के बाद की बात हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो उसकी जगह 9 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा 6/9। दूसरा हमारे पास था लास्ट वाला 0.02 बार, तो यहाँ पे कंप्लीट नंबर 2 है, नॉन रिपीटिंग हमारे पास 00 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आफ्टर डेसिमल ध्यान से देख लीजिए, एक डिजिट तो रिपीट हो रही है, तो जो डिजिट रिपीट हो रही है उसकी जगह 9 आता है, और डेसिमल के बाद दो डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट नहीं हो रही है, तो उनकी जगह 0 आता है, तो फाइनल आंसर होगा 2/900। तो ये हमारे पास है। तो अगर आपसे ये कह रहा था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई 8.31 बार प्लस 0.2 बार 0.6 बार, प्लस 0.002 बार, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 831 माइनस 8 अपॉन 99, 6/9 एंड 2/900। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। दोबारा से देख लीजिए एक क्वेश्चन और, बस कि सपोज करो अगर मैं आपसे कहूं कि सर हमारे पास है 25.327 बार, इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आपके पास कंप्लीट नंबर जो है दैट इज 25327 है, और इसमें नॉन रिपीटिंग जो है वो 2532 है, और आफ्टर डेसिमल
आफ्टर डेसिमल एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसको आपको 9 से चेंज करना है, और दो डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं तो उनको आपको 0 से चेंज करना है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है सर, कंप्लीट नंबर लेना है कुछ भी लिखा हुआ हो, और फिर उसमें से माइनस करना है जो नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग था 2532, और फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसको 9 से चेंज कर दीजिए, और जितने नॉन रिपीट हैं उसको 0 से चेंज कर। तो डेसिमल के बाद तीन डिजिट थे, थ्री प्लेसेस थे, तो एक रिपीट हो रहा है 9, और दो नॉन रिपीटिंग थे तो 0। तो आप कोशिश कर लीजिए, छोटे छोटे से टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है बेसिकली, मैं उसमें से कर रहा हूँ। HCF, LCM, अभी स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स, ये सारे स्क्वायर रूट्स, ये सारा आएगा। तो एक तरह से शुरू का जो पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह, ये सारा आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। तो कल 7 बजे इंशाल्लाह क्लास लूंगा, तो दूसरे बच्चों को भी बता दीजिएगा, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं मैंने उन सबको भी ऐड करा दिया, गूगल क्लासरूम में भी ऐड कराया है, जिससे कि वो भी स्पेशली मेरी क्लास को अरेंज कर सके। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।